स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है एलिमेंट टेक। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे इंडियन रेलवे की टिकट बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे की टिकट कैसे बनाते हैं आज मैं बताने वाला हूँ। कोई लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बताने लग गया करके अब ये। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को नहीं आती है बनाने, मतलब हमारे भारत की आबादी इतनी है कि बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं आती है। बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, बहुत सारे उनको अभी भी नहीं आते। बड़े लोग जिनको नहीं आती उनके लिए वीडियो है, जिनको आती है वो हमारे चैनल पे आए और इस वीडियो को देखें और शेयर भी करें और लोगों के साथ बांटे भी, ताकि लोगों को पता चल पाएगा कि कैसे बनाते हैं इंडियन रेलवे की टिकट और कहीं से कैसे सफर करी जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे। बहुत ही आसान है दोस्तों, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। और एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और ये वीडियो 3 पार्ट में आ सकती है दोस्तों या 2 पार्ट में आ सकती है, तो इसको पार्ट में मैंने बनाई है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है दोस्तों। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप एक काम कर लीजिएगा, सबसे पहले आप गूगल क्रोम को खोल लीजिएगा। गूगल क्रोम खोलने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप जो हमारे इंडियन रेलवे हैं उनकी एक वेबसाइट है जिसका नाम है IRCTC, लिख के एंटर कर दीजिएगा। इतना करना है आपको। करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा सबसे पहला ऑप्शन IRCTC नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ई टिकटिंग सिस्टम, ये क्लिक कर लीजिएगा। पलक झपकते इस टाइप का एक पेज खुल जाएगा, विंडो खुल जाएगी जहां पर रहेगा लॉगिन का। ये जो कर्सर दिख रहा है मेरा माउस, यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है। जिस तरीके से मैं माउस कर्सर ले जाके यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये हो गया यूजर आईडी होती है यहाँ पर होता है पासवर्ड। अब ये पासवर्ड आपको और यूजर आईडी आपको साइन अप करनी होगी। अगर आप नए कस्टमर हैं और अगर आप एजेंट नहीं है, अगर नॉर्मल आप कस्टमर ही हैं तो आप यहाँ पर साइन अप में क्लिक कर लीजिए। ये करने के बाद यहाँ पर आपको इस टाइप की विंडो मिल जाएगी खुली, जिसमें सारी चीज भरना मैंडेटरी होती है। ये भरने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कर लीजिएगा, आपका बन जाएगा अकाउंट। जैसे कि हमारा पहले से अकाउंट बना हुआ है, हम एजेंट नहीं है तो हम डायरेक्ट हमारा यूजर आईडी डालेंगे। तो देखते हैं यूजर आईडी डाल के आगे कैसे टिकट बनती है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आगे कैसे IRCTC टिकट बनाते हैं। तो हम डालेंगे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड। डालने के बाद यहाँ पर बोलता है सिक्योरिटी कुछ टाइप्स होते हैं, तो ये अलग अलग टाइप के सिक्योरिटी टाइप्स आते हैं, जिसमें कि यहाँ पर बोला गया है ये कोड है इसको लिखना है। तो हम कोड को टाइप करेंगे, जैसे लिखा गया है इस कोड को वैसे ही टाइप करना चाहिए हमेशा, ताकि उनको भी लगे, मतलब वेबसाइट भी वेरीफाई हो जाती है, चेक कर लेती है। यहाँ पर होता है रिक्वेस्ट OTP, चाहे तो आप OTP रिक्वेस्ट करके भी अपना काम को लॉग इन कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट करेंगे, ये देखिए तुरंत पलक झपकते ही हमारा अकाउंट खुल चुका है। यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट आती है, यहाँ पर ही पूछ रहा है हमसे गूगल क्रोम की आपको सेव करना है पासवर्ड। तो अगर आप चाहें तो सेव कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नेवर में क्लिक कर दीजिएगा। हम सेव नहीं करना चाहेंगे तो हम नेवर में क्लिक करेंगे। नेवर में क्लिक करने के पश्चात आपको जहाँ की टिकट जहाँ के लिए चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वहाँ का स्टेशन का नाम लिखना होगा जहाँ से आपको टिकट बनवानी है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है जहाँ से आपको जाना है, मतलब स्टेशन फ्रॉम लिखा है तो कहाँ से आप चढ़ेंगे, तो वहां पर लिखेंगे आप सबसे पहले चढ़ने वाले स्टेशन पर जगह का नाम। अगर आप रायपुर से चढ़ेंगे तो रायपुर लिखिए पहले, रायपुर के बाद लिखेंगे कहाँ तक आप जाएंगे तो जाने वाले स्टेशन तक का नाम लिखिए। जैसे हम जाएंगे दिल्ली निजामुद्दीन, तो दिल्ली निजामुद्दीन लिख देते हैं, तो उसका कोड होता है स्टेशन में, जैसे रायपुर का R है, निजामुद्दीन का है NZM शायद है, हाँ। अब वो लिखने के बाद आती है डेट ऑफ जर्नी, कौन सी तारीख को आप जाना चाहेंगे, तो हम जाना चाहेंगे 9 तारीख को। अब उसके बाद आती है यहाँ पर टिकट टाइप, आपको ई टिकट चाहिए कि आई टिकट कोरियर के थ्रू आती है, उसमें टाइम लगता है, ई टिकट तुरंत आपको प्राप्त हो जाती है जिसमें आप प्रिंट आउट निकाल सकेंगे। उसके बाद कर देते हैं यहाँ पर सबमिट के बाद यहाँ नीचे में आपको दिख जाएगी, ये दिख रही होगी यहाँ पर, इधर आ जाइए, जो प्रिंटर विंटर का लोगो बना हुआ है अमेजोन के नीचे आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेन नेम्स,
कोटा लिखा हुआ है पहले, कोटा में जनरल कोटा, प्रीमियम कोटा, फिजिकल हैंडीकैप और लेडीज और तत्काल कोटा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेन नंबर, कुछ ट्रेन नंबर्स लिखे हुए हैं, ट्रेन नेम्स लिखे हुए हैं, फ्रॉम लिखा हुआ है, कहाँ से चलती, डिपार्चर टाइम लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, अराइवल टाइम लिखा हुआ है, डिस्टेंस लिखा हुआ है, ट्रैवलिंग टाइम लिखा हुआ है, और कौन कौन से दिन चलती है, मतलब मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में से जिसमें क्रॉस है उस दिन नहीं चलती, जिसमें टिक है उस दिन चलती है, क्लास लिखी हुई है, कौन सी ट्रेन की टिकट चाहिए, मतलब थर्ड एसी की चाहिए, थर्ड एसी में क्लिक करेंगे तो ऊपर, ये नीचे में रहा, ये देखिए सारा जो ट्रेन का स्टेटस, ट्रेन का जो है नाम वगैरह, ये नीचे में रहा और क्लिक करते ही ये ऊपर हो जाती है, मतलब इसके ऊपर में आ जाता है अवेलेबिलिटी। तो अब देखिए यहाँ पर डेट, ट्रेन का नाम और क्लास, मतलब थर्ड एसी की चाहिए टिकट कि आपको सेकेंड क्लास की चाहिए कि स्लीपर की चाहिए, तो ये यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो अवेलेबल सीट्स लिखी रहती है 9/1/2018 में अवेलेबल है, 432 सीट्स हैं, आप बुक कर सकते हैं, अवेलेबल है जनरल में ही बुक कर रहे हैं। अगर आप इसी को तत्काल में बुक करेंगे तब जब यहाँ पर आपके टिकट अवेलेबल नहीं होगी, जैसे कि मैं दिखाता हूँ कुछ और ट्रेन का जिसका अवेलेबल नहीं होता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोई भी और ट्रेन, समता एक्सप्रेस का देख लेते हैं थर्ड एसी का, तो यहाँ पर समता एक्सप्रेस का है, देखिए 12807 समता एक्सप्रेस, ठीक है। अब इसका देखिए वेटिंग है, 10 वेटिंग था जिसमें से आपका 7 वेटिंग क्लियर हो गया, 3 वेटिंग बचा हुआ है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो बुक कर सकते हैं, क्यू में आप आ सकते हैं, पर अगर आप इसी को तत्काल में देखेंगे तो तत्काल का जब कोटा खुलेगा तब वहां पर आप बुक कर सकते हैं टिकट को। इसलिए अभी लिखा हुआ है यहाँ पर बुकिंग नॉट अलाउड एज द डेट इज गिवन इज आउटसाइड एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको मैंने बता दिया ये चीज तत्काल का, और अब यहाँ पर हम इसे क्रॉस कर सकते हो अब यहाँ से, ठीक है। क्रॉस करने के साथ साथ आपको अब पता चल जाएगा फेयर का, बता देता हूँ मैं कैसे क्या है। अब इसको हम सिलेक्शन को जनरल में करेंगे फटाक से और थर्ड एसी में क्लिक करेंगे, करते ही यहाँ पर आ जाती है ट्रेन का नाम, बुकिंग अवेलेबल हो जाती है, यहाँ पर आ जाते हैं पैसे, तो इसमें लिखा गया है यहाँ पर 1675 रुपीज, पर सब लिखा हुआ है रिजर्वेशन चार्जेस, सुपर फास्ट चार्जेस, अदर चार्जेस, तत्काल चार्जेस, जीएसटी, डायनेमिक फेयर भी लिखा हुआ है इसमें। आजकल डायनेमिक फेयर लगते हैं ट्रेन पे, वो क्या होते हैं, जैसे कि आप हवाई जहाज मतलब एरोप्लेन में सफर करते होंगे तो जैसे जैसे सीट घटती है वैसे वैसे चेंजेस हो जाते हैं प्राइस के, कोई फिक्स प्राइस नहीं होता आजकल ट्रेन पे, इस वजह से डायनेमिक चार्ज लगाया जाता है रेलवे के द्वारा। तो हम इसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे अब अपने रेलवे टिकट बुकिंग की। तो नेक्स्ट